बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा से बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर भड़ास निकाला है। लोकसभा में ललन सिंह के व्यवहार पर पटना एयरपोर्ट पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि वह भड़के तो हम भड़के, वह लोकतंत्र की क्या बात करेंगे। लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में पलटू राम की पूरी टीम बैठी है। अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षी पार्टियों के इंडिया बनाए जाने पर कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार। रही बात राहुल गांधी की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए की सरकार 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। हत्या, अपराध और हिंसा की गतिविधियां बढ़ी, लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टिकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह, जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहां सारी बातचीत की है। आज भी वहां प्रतिरोध मार्च वहाँ लोगों ने निकालने का, और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगली और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो देश को जोड़ने चले हैं और देश का सपना देख रहे हैं जो उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। कल पीएम 508 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने वाले हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आरा में रेलवे अधिकारियों के साथ मुलाकात की। आरके सिंह ने कहा कि आरा और हमारे क्षेत्र के लिए रेलवे ने बहुत काम किया है। आरा हमेशा केंद्र रहा है। हमारे तरफ के बहुत लोग झारखंड में बसे हैं, उन लोगों को पटना कर ट्रेन पकड़ना था। रेलवे की पहल से अब आरा में ही इसकी सुविधा मिलेगी। माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस समय पहली सूची बनी, उस समय हमको जानकारी लगी कि आर और बिहिया उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने तुरंत इंक्लूड कर दिया आर और बिहिया को, तो इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आरा और हमारे क्षेत्र के लिए रेलवे ने बहुत काम किया है। बहुत सारे हमको नए ट्रेन दिए हैं, पुराने जितने प्रमुख ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज दिया है। पहले भी आरा के स्टेशन का विकास काफ़ी हुआ है। पहले जो आरा का स्टेशन था और आज जो आरा का स्टेशन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर, और ये जो अमृत स्टेशन जो स्वीकृत हो गया, तो इससे आरा का स्टेशन एकदम मॉडर्न आधुनिक स्टेशन हो जाएगा, जैसा होना भी चाहिए, क्योंकि आरा हमेशा केंद्र रहा है पूरे शाहबाद का, जिसमें कि सासाराम भी इंक्लूडेड है, बक्सर भी इंक्लूडेड है, तो उस सबका केंद्र बिंदु कैमूर में केंद्र बिंदु आरा ही था। और आरा एक सेंटर, नेचुरल सेंटर भी है, तो वहाँ से भी आसपास के लोग आकर के गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। लोगों को पटना आकर के गाड़ियाँ पकड़ने के बजाय अगर वहीं से गाड़ियाँ पकड़ लेंगे तो ठीक होगा। राहुल गांधी के स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया कि जिस केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 2 साल हो, उसमें 2 साल की ही सजा क्यों दी गई। मिठाई खिलाया जाए, और जो इन्होंने कहा मैं उसको दोहराता हूं, और हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। और कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अगुवाई में जो देश में सरकार है, उन लोगों की कुत्सित प्रयास काम नहीं आया। वहाँ तो जरूर गुजरात में वो किसी तरह से अपना मैनेजमेंट के आधार पर निर्णय करा दिया, लेकिन कल जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने जो कुछ कहा, उसके बाद हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि बार बार जब कभी हम आप लोगों को बुलाते थे, आपसे शेयर करते थे, तो यही कहते थे कि जिस केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 2 साल हो, उसमें 2 साल का ही सजा क्यों दिया गया। तो इस बात को लेके न केवल आम कांग्रेस जनों में देश भर के, बल्कि देश भर के आम नागरिकों में भी परेशानी थी, और ये सवाल खड़ा था कि क्या हम लोगों का, देश का न्यायिक व्यवस्था
प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और राहुल जी ने भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाया था सरकार पर, उनकी जो नजदीकी रिश्ते थे अदानी के साथ उस पर सवाल खड़ा किया। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल सुधार करने की नसीहत दी है। मोकामा प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में शिक्षा व्यवस्था के गिरती स्थिति को लेकर अधिकारियों से पूछताछ की गई। प्रखंड प्रमुख भवेंद्र कुमार सिंह ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेणु कुमारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग सदन से की है। इस मांग पर पूर्व कानून मंत्री ने तत्काल सुधार लाने की नसीहत दी। बाद में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि पंचायत सदन की पहली बैठक के बाद सुधार हुआ है, व्यवस्था में और सुधार लाने की जरूरत है। की गिरती व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है, क्या आपने आश्वासन दिया है? हमने आश्वासन यही दिया कि अभी मतलब कुछ जो भी इसके पहले भी मीटिंग में आए थे तो कुछ शिकायत मिली थी, उसमें हम लोग जो सुझाव दिए थे उस पर बहुत लोग अमल किए हैं और बहुत सुधार है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी सुधार लोग कर लेंगे। की गिरती व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है, क्या आपने आश्वासन दिया है? हमने आश्वासन यही दिया कि अभी मतलब कुछ जो भी इसके पहले भी मीटिंग में आए थे तो कुछ शिकायत मिली थी, उसमें हम लोग जो सुझाव दिए थे उस पर बहुत लोग अमल किए हैं और बहुत सुधार है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी सुधार लोग कर लेंगे। बिहार में चल रही महागठबंधन सरकार पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर से तंज कसा है, जुबानी हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार एक साल से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा कर रही है, दो चार सीट बढ़ जाने से क्या अंतर पड़ने वाला है, इस लूट की छूट में कुछ और लोगों की भागीदारी हो जाएगी। नेता विरोधी दल ने कहा कि एक व्यक्ति पांच पांच विभाग का मंत्री है, बजट के आगे भाग पर जिसका कब्जा हो, लूट की छूट हो तो विकास ठप हो गया है। गठबंधन की सरकार मंत्रिमंडल का तो एक वर्ष से चर्चा कर रहे हैं, दो चार सीट बढ़ जाने से क्या अंतर पड़ने वाला है, इस लूट की छूट में कुछ लोगों की और भागीदारी हो जाएगी। सच्चाई तो ये है कि एक व्यक्ति पांच पांच विभाग के मंत्री, बजट के आधे लगभग आधे भाग पर जिसकी कब्जा हो, लूट की छूट हो, विकास ठप हो गई है। 1600-1700 करोड़ का पुल दह जाता है और जो उसके जिम्मेवार है उसको प्रमोशन दे करके बचाने का खेल होता है, तो ये सरकार का कोई भ्रष्टाचार और अपराध में रोकने की मंशा नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार से कोई अंतर नहीं। दानापुर में जेडीयू ने अब चुनाव की रणनीति शुरू कर दी है, इसे लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। जेडीयू के पूर्व सांसद रंजन यादव ने दानापुर में अपने आवास पर बैठक की जिसमें जेडीयू को जीत दिलाने को लेकर चर्चा हुई। मौके पर रंजन यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों में इनकी लोकप्रियता घटती जा रही है, अब लोग नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। विकास की तैयारी तो लोग करीब है, लेकिन जो विकास नहीं हो पाया था, उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पाया था, और जितने इंटेलेक्चुअल्स थे जिनकी कई बैठकें हुई पूरे बिहार के एडीजी में बैठकों से हुई, और लगभग 5-6 महीने तक बैठक के बाद जो लिस्ट बना उसको नीतीश जी को यहाँ देने नीतीश जी को दिया गया, और तब से हमारे समाज से सारा काम लगभग खत्म है और जो बचा रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कटिहार जिले के बारसोई पहुंचे और यहां गोलीकांड की घटना में पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। मौजूदा सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर बरसते हुए चिराग पासवान नजर आए। बहुत अराजकता की स्थिति है, लाठीचार्ज ये लोग करते हैं, कितने लोगों के सर फोड़ते हैं, कंधे टूटते हैं, लाठीचार्ज में भी कमर से नीचे लाठी चलाने के लिए, गोली चलाएंगे आप तो पैर पे आपको गोली चलानी है अगर बहुत अराजक कोई अगर परिस्थिति उत्पन्न हो। और उस दिन कौन सी ऐसी अराजक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, और माहौल शांत होने के बाद सोनू गया था वहाँ, जहाँ गिनती के लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे,
हालात सामान्य हो चुके थे, उसके बाद आप चुन चुन कर आप गोली चला रहे हो और सीधा कपार में आप गोली मार रहे हैं। ये है बिहार में आपकी कानून व्यवस्था। इसको आप बोलेंगे कि भैया आप जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा जहाँ पे आम निर्दोषों के ऊपर आप इस तरीके से गोली चला रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है नीतीश कुमार जी से कि भैया जो गया व्यक्ति उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय तो दिलाएं। चिन्हित करें उन लोगों को, सीसीटीवी फुटेजेस आप रिकवर करें, लोगों के बयान लें, और सबसे पहले तो डराना धमकाना बंद करें स्थानीय प्रशासन। ये लिखित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगा और स्थानीय एसपी महोदय से भी मैं मांग करता हूँ। पटना जू अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पटना जू में अलग अलग डिपो में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिकड़ी में आज 3 दिवसीय नेशनल बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया है जो आज से 7 अगस्त तक चलेगा। मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा दीप प्रज्वलन कर बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस का शुरुआत की गई। इसमें देश के कई प्रख्यात विशेषज्ञ अपने अनुभव को साझा करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी बुलाया गया है, जिसमें तमाम लोगों को जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। और इसके साथ ही मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो भी डेलीगेट्स छात्र छात्राएं इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं उनको राजगीर जू सफारी फ्री में घुमाया जाएगा, वहां के नेचर सफारी को दिखाया जाएगा, जिससे कि और अनुभव साझा करने का मौका मिले। और जो डेलीगेट्स दूसरे स्टेट से आए हैं वो अपने स्टेट में जाकर बिहार के नेचर सफारी को अमल करेंगे। हाँ, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई। क्या कुछ बात हुआ है? हम तो यहाँ थे, हम कैसे जानेंगे कि क्या बात हुआ है? अच्छा, ये जो महागठबंधन को एकजुट करने के लिए बात हुआ होगा, और ये मोदी सरकार का कहना है कि इंडिया जो है वो एक मंडी पार्टी का नेताओं का है, इससे आप क्या कुछ कहेंगे? क्या इंडिया पार्टी जो खुद भारत मेरा, क्या भारत को गाली दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए भारत में रह करके इंडिया को इस तरीके का बात बोलना, तो गलत बात है।